आज हम बताने वाले हैं त्रिफला चूर्ण खाने का तरीका और इसके फायदों के बारे में। इसको घर पर ही आसान तरीके से किस प्रकार से बना सकते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। त्रिफला चूर्ण आंवला, हर्रा, बहरा तीन फलों का चूर्ण होता है। आइए सबसे पहले हम इसको बनाने के विधि को बताते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक भाग हर्रा का फल और दो भाग बहरा का फल और चार भाग आंवला का फल ले लेंगे। फिर अगर फल कच्चे हों तो इनको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। फिर इनके गुठलियों को निकाल करके इनके छिलकों को कूटेंगे। अच्छी तरह से कूट करके हम इसको छान कर इसका महीन चूर्ण बना लेंगे। अब हर्रा चूर्ण, बहरा चूर्ण और आंवला चूर्ण और स्वाद अनुसार सेंधा नमक को ले करके हम इसको मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चूर्ण को अच्छे से मिला करके अब हम इस चूर्ण को एक डिब्बे में भर करके स्टोर करके रख लेंगे। आइए अब बताते हैं इसको खाने के तरीके के बारे में और इसके उपयोग फायदों के बारे में। इसका पहला उपयोग है पेट में रुके हुए अजीर्ण, अपच एवं कब्ज को दूर करने के लिए। इसके दो चम्मच चूर्ण को रात के समय सोने के पूर्व गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से अजीर्ण, अपच, कब्ज दूर हो जाते हैं। दूसरा फायदा, एसिडिटी अथवा गैस बनने के कारण यदि पेट फूलता है तो इसे शीघ्र ही इसके चूर्ण का सेवन करना चाहिए। तीसरा फायदा, आँखों में तेज दृष्टि पाने के लिए प्रतिदिन इसके एक चम्मच चूर्ण को एक गिलास पानी में डालकर रात को भिगो दें और सुबह उठकर पानी को अच्छी तरह से छानकर इस पानी का उपयोग आँख को धोने के लिए करें तो आँख के रोग नहीं होते हैं और हमारे देखने की शक्ति भी पहले से बढ़ जाती है। चौथा उपयोग, त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से मोटापा नहीं बढ़ती है और शरीर का अनावश्यक वजन भी घटता है। पांचवा फायदा, उच्च रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेशर को भी इसका सेवन करने से यह सामान्य कर सकता है। छठवा फायदा, इसका सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जिससे कई बीमारियों से बचाव हो सकता है, क्योंकि इन तीनों प्रकार के फलों में विटामिन और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सातवां उपयोग, मुंह की दुर्गंध भगाने हेतु पायरिया रोग से मुक्ति पाने और मसूड़ों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाने के लिए इसके चूर्ण को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी से कुल्ला करें तो काफ़ी लाभ होता है। आठवां फायदा, यदि आप घने काले चमकते घुंघराले बाल चाहते हैं तो बाल आसानी से ना झड़े और सिर में डैंड्रफ ना हो तो आप इसके चूर्ण को पानी के साथ पिए या फिर नहाने के पूर्व इसके चूर्ण को पानी में घोलकर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बाल इसके चूर्ण का रस बालों के जड़ों तक जाएगी तो बालों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाते हैं। नवा फायदा, इसके चूर्ण में हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें और पेस्ट को गर्म कर गुनगुने पेस्ट से सूजन वाले स्थानों में हाथ पैर जोड़ों के दर्द में लेप करें और लेप करके सेकाई कर दें तो पीड़ा कम होकर सूजन नहीं होता है। तो यही थी त्रिफला चूर्ण खाने से होने वाले महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानकारियाँ।